नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आज बालाघाट में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हुआ, जिसमें जिले के गुवारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश सहारे और जिला अध्यक्ष कन्हैया राउत ने अपने समाज की मांग को लेकर आज आंदोलन की चेतावनी जिला प्रशासन को दी थी, जिस पर जिला प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए और जिले के मंत्री श्री गौरीशंकर बिस्सेन ने गुवारी समाज के प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करवाई, जिससे गुवारी समाज के जिला अध्यक्ष कन्हैया राउत बड़े खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि हम अपने जिले के नेता गौरीशंकर बिस्सेन का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करवाई। अतः जिले के नेता गौरीशंकर बिस्सेन जी को गुवारी समाज धन्यवाद देता है। दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश सहारे ने कहा कि यदि गुवारी समाज को OBC से ST का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा तो आगामी चुनाव में प्रदेश का गुवारी समाज भाजपा की सरकार को सबक सिखाएगा। आदरणीय गौरीशंकर बिस्सेन जी ने हमको बहुत अच्छे से मिलवाया, उन्होंने हमारी बात भी रखी। पहली बार ऐसा लगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ने हमारी गुवारी समाज की बात इस प्रदेश के मुखिया के पास रखी। आज हम बहुत गौरव मान रहे हैं कि हमारी समाज की बात एक मुख्यमंत्री के पास हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि ने रखे हैं, और कहीं ना कहीं इसका हमको लाभ मिलेगा। और अगर लाभ नहीं मिलता तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया है कि हम क्या करेंगे आगे जाके, हमारी रूपरेखा रणनीति क्या होगी आपको प्रेस वार्ता के माध्यम से बता दी जाएंगी, और कहीं ना कहीं हमारी गुवारी समाज का अधिकार हमको मिल के रहेगा, ये हमको आश्वासन। और एक मिनट है आप लोग ले लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बालाघाट जिले में 6 विधानसभा है और लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा है। बालाघाट जिले की 6 विधानसभा में गुवारी समाज का अच्छा खासा जो है प्रभाव है, और बरघाट और सिवनी में भी अच्छा खासा प्रभाव है। अगर हमारी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कर देती है, मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान कर देते हैं, तो हर विधानसभा में 20 से 25 हज़ार वोट हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में कराएंगे। अगर ये हमारा काम नहीं होगा तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जाएंगे। जी भैया बताएंगे, आज विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, झंडे दिखाने वाले थे, पुतला दहन करने वाले थे, अब तक क्या हुआ और क्या डेलीगेशन? आदिवासी गुवारी समाज संगठन ने नाराज होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को काला झंडा दिखाने की कल बात की गई थी, उसी के दबाव के कारण बालाघाट का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और बालाघाट के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने की बात की गई थी, तो हमने काला झंडा दिखाने का प्रोग्राम स्थगित कर दिया था। हमारी इतनी बात थी कि हम मुख्यमंत्री जी को अपनी बात से हम अवगत कराए, मध्य प्रदेश में गुवारी जाति अनुसूचित जनजाति में आती है फिर भी उसको OBC का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो हमने ये बात रखी थी कि गुवारी जाति को पिछड़ा वर्ग से विलोपित करो, और जो गुवारी जाति का संवैधानिक अधिकार है ST का जाति प्रमाण पत्र है वो गुवारी समाज के लोगों को जारी करे। यही बात अभी हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखते आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिए कि हम जल्दी से जल्दी गुवारी जाति को ST का प्रमाण पत्र जारी करवाएंगे और गुवारी जाति को पिछड़ा वर्ग से विलोपित कराएंगे। हमारी इतनी मांग है मध्य प्रदेश की सरकार से, गुवारी जाति को पिछड़ा वर्ग से विलोपित किया जाए और ST का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसके पहले भी की गई मुलाकातों में तो उन्होंने हाँ ही कहे थे, उसके बाद भी तो जारी नहीं किए। हाँ, इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी जो है हट्टा में आए थे, हट्टा में बोल रहा हूँ, ये अपना लामता में आए थे और बालाघाट में भी आए थे, उस समय भी हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए थे। लेकिन अभी आचार संहिता लगने के पहले अगर गुवारी जाति को उसका सही अधिकार नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में गुवारी जाति अपने हिसाब से काम करेगी, उसके पास वोट का अधिकार है। हमारे पास एक लोकतांत्रिक हमारा देश है, हम लोग वोट का उपयोग करेंगे। फिर अगर जो हमारे साथ नहीं होगा उसको वोट नहीं देंगे, जो हमारे साथ होगा उसको वोट देंगे।